हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। शर्तिला एकादशी व्रत 2022 28 या 29 जनवरी जाने सही तिथि पूजा व पारण मुहूर्त भूलकर भी ना करें आज एक काम। शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर माह दो एकादशी तिथि पड़ती हैं जिसके कारण पूरे साल में 24 एकादशी व्रत आते हैं। वैसे तो सभी एकादशी व्रत का अपना खास महत्व होता है, लेकिन शास्त्रों में माघ मास की शर्तिला एकादशी व्रत का बड़ा ही पुण्य बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु जी का तिल से पूजन करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हम आपको साल 2022 में माघ मास की शर्तिला एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के कुछ जरूरी नियमों के बारे में बताएंगे। शर्तिला एकादशी तिथि व शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में माघ शर्तिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी प्रातःकाल 2:16 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 28 जनवरी रात्रि 11:35 पर। शर्तिला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 29 जनवरी सुबह 7:11 से सुबह 9:20 तक। शर्तिला एकादशी पूजा विधि। एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें और एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले विष्णु प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर चंदन से उनका तिलक करते हुए विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूजा में विष्णु जी को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी के पत्ते, पीले फल, फूल व तिल जरूर अर्पित करें। शर्तिला एकादशी पर 6 तरह से स्नान, उपटन, आहुति, तर्पण, दान और खाने के रूप में तिल का इस्तेमाल किया जाता है। अंत में एकादशी व्रत कथा का पाठ कर आरती कर लें। द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा कर व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को भोजन व क्षमता अनुसार दान देकर विदा करें। शर्तिला एकादशी व्रत के नियम। शर्तिला एकादशी का धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और कुछ आसान उपाय करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस दिन व्रत के जरूरी नियमों को ध्यान में रखकर की गई आराधना से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं शर्तिला एकादशी व्रत के कुछ जरूरी नियम क्या हैं। शर्तिला एकादशी के दिन पूजा में तिल का प्रयोग जरूर करें। इस व्रत के नियम दशमी, एकादशी और द्वादशी तीन दिन के होते हैं, इसलिए तीनों दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। एकादशी के व्रत में तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, बासी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण तथा गरीबों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। इस दिन चावलों का सेवन न करें। व्रत करने वाले जातक को इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।